था ज्ञानी के प्रति देश में आप लोग पधारे हैं। भगवान की अत्यंत कृपा के फल स्वरूप भगवान का दिव्य सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर भगवान ने दिया है। सत्संग में और तपस्या में क्या फर्क है? एक बार वशिष्ठ मुनि और शेषनाग जी के बीच में एक बात हो गई। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि तपस्या बड़ी है और शेषनाग जी कहने लगे कि सत्संग बड़ा है। महाराज दोनों के अंदर में बात काफी बढ़ गई कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है। अब दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं तो तीसरे व्यक्ति उस झगड़े को सुलझाता है, तो अब सुलझाए कौन? तीसरा व्यक्ति कहां से किसके पास जाए? शेषनाग जी स्वयं पूरे धरती को अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रखे हैं, तो वशिष्ठ मुनि से कहने लगे, देखो महाराज, अपन को किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आप कहते हो कि तपस्या बड़ी है और मैं कहता हूं कि सत्संग बड़ा है। जो मैं अपने मस्तक के ऊपर में भगवती पृथ्वी को धारण कर रखा हूं, तो आप तपस्या का एक महीना, दो महीना, तीन महीना अपना तपस्या दे दो कि मेरी भगवती पृथ्वी मेरे मस्तक से अपने आप ऊपर उठ जाए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैंने कई वर्षों का तपस्या की है, मैं एक वर्ष की तपस्या आपको देता हूं कि भगवती पृथ्वी आपके मस्तक से अपने आप ऊपर उठ जाए। लेकिन भगवती पृथ्वी तो बिल्कुल नहीं उठी। दो वर्ष की तपस्या दे दी तो भी नहीं उठी, पांच वर्ष की तपस्या दे दी तो भी भगवती पृथ्वी एक सेकंड के लिए ऊपर नहीं उठी। तो शेषनाग जी कहने लगे, देखो वशिष्ठ मुनि, आपने पांच वर्ष की तपस्या दान में दी तो भी भगवती पृथ्वी तरी भी नहीं हली, मेरे मस्तक से ऊपर नहीं उठी, और मैं अब एक घड़ी का सत्संग दान करता हूं। क्या कहा? मैं एक घड़ी का सत्संग दान करता हूं। जैसे ही शेषनाग जी ने कहा कि हे भगवती पृथ्वी, मैंने जीवन में सत्संग किया हो और एक घड़ी का मैं उस सत्संग को दान में तुम्हें देता हूं, तो मेरे मस्तक से ऊपर उठ जाए। इतना कहा तो भगवती पृथ्वी एक विलांब ऊपर उठ गई। तो वशिष्ठ मुनि को कहने लगे, तो समझ में आया? महाराज समझ में आ गया कि तपस्या से बढ़ करके सत्संग है। तपस्या व्यक्ति को एकांत में बैठ करके करना पड़ता है और सत्संग कीर्तन भगवान का सब सम्मिलित होकर के एक जगह बैठ करके किया जाता है। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे, मुझे समझ में आ गया कि तपस्या से भी बढ़ करके भगवान का सत्संग है, कीर्तन है। अतः भगवान की कृपा बिना स्वरूप सात दिन अपन को सत्संग करने का अवसर भगवान ने दिया है, इसका पूरा फायदा ले, लाभ ले। कल के प्रसंग में आप विदुर जी के प्रसंग को श्रवण करके गए थे। महाराज विदुर जी रोज अपने घर के अंदर में
कृष्ण का लीलाओं का अनुसरण करते थे, रोज अपने पति पत्नी एक आसन पर बैठ करके भगवान का चिंतन करते थे। उनके भले स्वरूप भगवान नारायण नंगे पैर दौड़ते दौड़ते अपने घर के घर गए। जैसे अपन भगवान के घर जाते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में जाएंगे तो द्वार के अपन चरण पादुका खोल देते हैं, तो ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों के घर जाते हैं तो अपने चरण पादुका पहन करके नहीं जाते। कल दुर्योधन के यहाँ पे इतने तेजी से दौड़े कि अपने चरण पादुका को भी वही छोड़ दिया, हमने अपने भक्त के घर जा रहा। जिस घर में रोज भगवान को भोग लगता है, रोज भगवान को जगाया जाता है, रोज भगवान का कीर्तन होता है, उस घर में भगवान का पदार्पण होता है। प्रेम से कहते श्री राधे महाराज, विदुर जी का दिव्य प्रसंग से अपन को तो यही ध्यान में रखना है, अपन जैसे भी हैं, जैसा अपना घर है परिवार है, घंटा आधा घंटा बैठ करके सब घर के परिवार के लोग भगवान का कीर्तन करें, सत्संग करें। उस घर में एक दिन प्रभु का पदार्पण होता है। परीक्षित महाराज ने कल प्रश्न किया था कि सृष्टि कब बनी, किसने बनाई, कौन चला रहा है और कब तक ये चलती रहेगी। परीक्षित भगवान सुने उनसे कहते हैं कि देखो गुरुदेव, गर्मी के समय में अत्यंत गर्मी होती है, दोपहर के समय में बहुत अकुलाहट होती है, सायंकाल के समय में सब जीव गर्मी से तड़पड़ाते रहते हैं, सायंकाल होते होते रात को 10 11 12 बजे से भगवान परमात्मा का जब पंखा चलने लगता है तो सड़क पर सोया व्यक्ति भी सुखी हो जाता है कि अब भगवान का पंखा चला। तो परीक्षित पूछने लगा, गुरुदेव ये परमात्मा सृष्टि कब बनाई, कैसे बनाई, कैसे चला रहे हैं और कब तक चलाते रहेंगे। सुखदेव ने कह रहे हैं, देखो राजन, भगवान नारायण जब इस पृथ्वी पर कोई नहीं था, भगवान जल के अंदर शयन कर रहे थे, तब उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हूं। एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक कैसे हूं। तो भगवान के मन से संकल्प मात्र से नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी 100 वर्ष की तपस्या की, 4 सनत कुमार प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश मिला कि तुम सृष्टि का संवर्धन करो। 4 कुमारों ने कई वर्ष तपस्या की और जैसे ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा हो आप तुम्हारा विवाह करेंगे, तो सनत कुमार कहने लगे कि पिताजी हम तो विवाह के बंधन में नहीं बंधते। सनत कुमार अपने पिताजी को ब्रह्मा जी को कह करके चले गए कि हम तो इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान हरि हैं, हम हरि की शरण में जाएंगे। इतना कहकर के सनकादिक ऋषि को पृथ्वी पर बद्रिकाश्रम की ओर चले आए। इधर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैंने अपने बेटाओं को सृष्टि संवर्धन का आज्ञा दी और मेरी आज्ञा का उन्होंने पालन नहीं किया, आप अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ा कर दो, 20-22-25 वर्ष का हो जाए, फिर वो बालक पढ़ लिख करके अपने पिता से माता से कहे कि मुझे अब बाबा जी बनना है, तो उस पिता और माता को क्रोध आएगा कि हमने कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाया है,
अब तुम्हारा विवाह करेंगे, तुम कोई सर्विस करो या कोई व्यापार करो। अब वो बालक कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बाबा जी बनूंगा। तो स्वाभाविक है कि हर माता पिता को क्रोध आता है। कितनी मेहनत करके उसको पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ गया और उस क्रोध के अंदर में ब्रह्मदेव के आंखों की ऊपरी स्तर पर गौओं से रुद्र भगवान प्रकट हो गया। बोले रुद्रदेव भगवान की जय। जैसे ही रुद्र का आवेश अवतार प्रकट हुआ, रुद्र भगवान कहने लगे प्रभु क्या आज्ञा है, पिताजी क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी ने एक ही बात कही कि बेटा सृष्टि का संवर्धन करना है, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के रुद्र भगवान रुद्र अपनी जैसी ही सृष्टि का संवर्धन करने लगे। भूत पिशाच कई प्रकार के सृष्टि का संवर्धन सहयोग करने में बना दिए। ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर बाद में देखा कि रुद्र ने कैसी सृष्टि का संवर्धन किया है, तो चारों तरफ भूत पिशाच घूम रहे हैं, हाहाकार हो रहा है। आकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे रुद्र, ऐसी सृष्टि संवर्धन के लिए थोड़ी कहा था, ये तो पृथ्वी के ऊपर में हाहाकार मचा रहे हैं, तुम अपने सृष्टि को यहीं पर रोक दो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से रुद्र भगवान ने सृष्टि संवर्धन करने के लिए रोक लगा दी। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अब सृष्टि का संवर्धन कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने अपने होठों से भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव प्रकट किया। ब्रह्मा जी के नासिका विवर से भगवान वराह की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी की पीठ से साक्षात काल की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अब सृष्टि का संवर्धन करूं तो कैसे करूं। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अंदर से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट किया। स्वयं मनु और भगवती सतरूपा, जो पुरुष है उनका नाम है स्वयं मनु और जो स्त्री है उसका नाम है सतरूपा। ब्रह्मा जी के दसों अंगुलियों से 10 ऋषि प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने इतनी सृष्टि का संवर्धन कर दिया स्वयं और मनु और भगवती सतरूपा प्रकट होकर के अपने पिता को प्रणाम करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटाओ, मैं तुम्हें इसलिए प्रकट किया हूं कि भगवान की आज्ञा है कि तुम सृष्टि का संवर्धन करो। तो मनु महाराज और शत्रुपा मैथुन धर्म की प्रवृत्ति से सृष्टि का संवर्धन करने लगे, जिन्होंने जिनके 3 पुत्रियां और 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई। 3 बेटियां कौन कौन सी है, आकुति, देवकुति और प्रसूति। 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियवल। अब थोड़ा ध्यान रखना, सृष्टि का संवर्धन हो रहा है। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से 10 ऋषि प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी से ही स्वयं मनु और भगवती सतरूपा का प्रागट्य हुआ। तो मनु महाराज और सतरूपा सृष्टि का संवर्धन में सहयोग करने के लिए 3 बेटियां उत्पन्न की है और 2 बेटों को जन्म दिया। 3 बेटियों का नाम याद रखना, आकुति, देवहूति और प्रसूति।
दो बेटे हैं, उनका क्या नाम है? बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत है और छोटे बेटे का नाम उत्तानुपात है। इतनी सृष्टि का संवर्धन हो चुका है, तो आप ध्यान में रखना, एक वंश नंबर धीरे धीरे सृष्टि का क्रम बढ़ेगा, तो थोड़ा ध्यान में रखना। अब इस प्रकार से सृष्टि का संवर्धन हो रहा है, तो नाम संकीर्तन भगवान किस प्रकार से भगवती पृथ्वी के ऊपर संवर्धन करते हैं सृष्टि का, इस क्रम को अपन श्रवण करेंगे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे, राधे राधे समय में जिस घर का दरवाजा बंद रहता है
भगवान लक्ष्मी नारायण उस दरवाजे को हाथ जोड़ करके चले जाते हैं। आजकल ऐसा फैशन चला है कि सायकाल को घूमने के लिए जाए बालकों के चले, जो अपने द्वार को बंद करके सायकाल के समय में बाग बगीचों में घूमने के लिए जाते हैं और उस समय भगवान लक्ष्मी नारायण उनके घर आते हैं। जिस घर का दरवाजा बंद होता है तो लक्ष्मी नारायण वहां से जय श्रीमन नारायण करके लौट आते हैं। इसलिए सायकाल के समय में कभी बाग बगीचों में घूमने के लिए नहीं जाते, नहीं तो लक्ष्मी नारायण आपके घर में नहीं आएंगे। तो ऐसा सुंदर समय में दीदी बार बार कहते हैं कि आप मेरे इस समय मेरे साथ काम का उपभोग करो। कश्यप ऋषि बार बार समझाते हैं कि दीदी यह समय काम का उपभोग करने जैसा नहीं है। इस समय में सायकाल के समय में अपने घर में दीपक जलाओ, बैठ करके भगवान की स्तुति का गान करो, भगवान की आरती उतारो। सायकाल का समय बड़ा पवित्र होता है, उस समय भगवान का पदार्पण अपने घर में होता है। दीदी बार बार आग्रह कर रही है, नहीं नहीं मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा अधिकार है, आप मेरे साथ काम का उपभोग करो। देखो भाई अपने घर में भी ध्यान देने की बातें हैं, अपन सब लोग गृहस्थ व्यक्ति हैं। सायकाल के समय में जिस घर में काम का उपभोग किया जाता है उस घर में जो संतान जन्म लेती है बड़ी दुराचारी संतान होगी। संतान तो जन्म हो जाएगा लेकिन जो संतान आएगी बड़ी दुराचारी होगी, दुर्व्यवहार करने वाली होगी। संतान को जन्म देना कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, पशु पक्षी भी संतान को जन्म देते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके संतान को जन्म देना बहुत बड़ा विज्ञान है। सायकाल के समय में भगवान का कीर्तन करना, दीपक जलाना, रात्रि में 8-9-10 बज जाए तो अपने माता पिता के साथ बैठ करके थोड़ी वार्तालाप करना, आज दिन में मैंने ये कार्य किया है क्या बात है, जो भी आप कार्य करते हैं बैठ करके माता पिता के पास चर्चा करना चाहिए। एक आधा घंटा माता पिता की सेवा करना, उनके चरण दबाना। 10-11 बजते तो माता पिता खुद ही कहते कि बेटा आप तुम जाओ सो जाओ, और अर्ध रात्रि में अपनी पत्नी के साथ के काम का उपभोग करते हैं तो उनके घर में माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं तो उनकी संतान ऐसी प्रबल होती है, ज्ञानी होती है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। इसलिए संतान को जन्म देना कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्र के अनुसार जलघर में जो संतान को जन्म देता है उसके घर में कोई दिव्य आत्मा आती है। इसलिए चाहे जितने काम का उपभोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर के अंदर भी ऐसा ज्ञान है, पशु पक्षियों में भी ज्ञान नहीं है, नहीं तो कोई दुष्ट आत्मा घर में आ जाएगी अपने पूरे घर को बर्बाद कर देगी। इसलिए संतान को जन्म देना बहुत बड़ा विज्ञान है, शास्त्र अनुकूल रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि देखो राजन, दीदी ने एक ही बात नहीं सुनी, अपने पति को बार बार कहते हैं कि मेरे साथ काम का उपभोग करो, मैं आपकी पत्नी हूं। तो बार बार कहने से संध्याकालीन के समय में अपनी पत्नी दीदी के साथ में कश्यप ऋषि ने काम का उपभोग किया। काम का उपभोग होने के बाद में भगवान कश्यप ऋषि कहने लगे, दीदी तुमने इस पवित्र समय का दुरुपयोग किया है,
इस समय में तुमने काम का उपभोग किया है, इसलिए तुम्हारे जो संतान होगी वो दुनिया को रुलाने वाली होगी। दुनिया को रुलाने वाली, कष्ट देने वाली होगी। तो दीदी घबराई कि आपकी संतान नहीं होगी, मेरी ही है। मेरी भी संतान होगी, लेकिन दुनिया के लोग दुष्ट आत्मा कहेंगे और उनका नाम है जय और विजय। ये दोनों भगवान को वैकुंठ को छोड़ करके दीदी के गर्भ का आश्रय लेंगे, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट होने वाले। तो दीदी घबरा गई, बोले मेरे उधर से, मेरे पेट से ऐसे भयंकर राक्षसों का जन्म होगा। तो दीदी डर के मारे कई वर्षों तक अपने पेट में ही उन राक्षसों को रखा। महाराज, कई वर्षों बाद में जब उन बालकों का जन्म हुआ तो उनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। रोज उनकी लंबाई दो दो हाथ बढ़ जाए। आप देख लो 365 दिन में कितनी लंबाई बढ़ी होगी, इतनी उनकी लंबाई रोज बढ़ती दो दो हाथ। वो तो एक साल दो साल में इतने भयंकर दुर्दांत राक्षस बन गए, चारों तरफ हाहाकार करने लगे। महाराज, हिरण्यकश्यप जो था अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष, एक बार हिरण्याक्ष ने भगवती पृथ्वी को उठाया और जल में डुबो दिया, जल में लेकर के चला गया। तो इधर ब्रह्मा जी घबरा गए कि भगवान ने मेरे को आज्ञा दी है सरस्वती का संवर्धन करूं, लेकिन मैं संवर्धन करूंगा तो मेरे बेटे पोते कहाँ रहेंगे। पृथ्वी को तो ये राक्षस लोग लेकर के दशातल में चले गए। देखो, पिता अपने बेटे का विवाह करता है ना, तो पहले अपने बहू के रण लाने के पहले कमरे की व्यवस्था करते हैं कि मेरे बेटे बहू कहाँ रहेंगे। तो ब्रह्मा जी भगवान के पास जाकर कहने लगे, प्रभु आप कह रहे हो कि सृष्टि का संवर्धन करें, लेकिन रहने के लिए जगह तो नहीं है, कहाँ रहेंगे। तो भगवान जी का क्या हुआ, बोले पता नहीं, दो दिन राक्षस उठा करके भगवती पृथ्वी को रसातल में ले गए। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो। तो ब्रह्मा जी के नासिका विवर से एक छोटा कीट पतंग निकला, नासिका विवर से छोटा कीड़ा निकला और विशाल रूप ले लिया। तो वराह के रूप में भगवान आते हैं, बोले वराह भगवान की। भगवान वराह रसातल में जाते हैं, हिरण्याक्ष के पास गए और हिरण्याक्ष को देखा। हिरण्याक्ष भगवती पृथ्वी को रसातल में ले जाकर के छोड़ दिया। जैसे ही भगवान वराह को हिरण्याक्ष ने देखा, बार बार भगवान वराह की तरफ कहने लगा, तुम्हारे में क्या शक्ति है, तुम क्या कर सकते हो। वराह भगवान हिरण्याक्ष को एक भी बार कुछ बात नहीं कही। और जो भगवती पृथ्वी रसातल में पड़ी है उसको उठा करके अपने एक दांत के ऊपर रख लिया और धीरे धीरे भगवती पृथ्वी को बाहर लाने लगे। हिरण्याक्ष बार बार आकर के भगवान को डांटने लगा, लेकिन भगवान ने हिरण्याक्ष की तरफ देखा ही नहीं। देखो, अपन कोई अच्छा काम करे ना तो ये अपने जो विपक्ष के लोग हैं बार बार कुछ न कुछ कहते हैं, ये काम ऐसा ही थोड़ी है, ये कोई साधारण काम थोड़ी है।
और आपको अगर ये काम करना ही है तो उन विपक्षियों की ओर नहीं देखो, अपन को अपने काम में ध्यान देना है। क्योंकि लोग तो जितने इकट्ठे होंगे तो अलग अलग विचार देंगे, आप कोई कहेगा ये ठीक है, कोई नहीं, कोई कहेगा ये ठीक नहीं है। और आपको जो काम ठीक लग रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। महाराज भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष की एक बात नहीं सुनी और भगवती पृथ्वी को रसातल से वापिस ऊपर लेकर के आए, पृथ्वी लोक को वापिस स्थापित किया है मृत्यु लोक में लाकर। भगवान फिर गदा उठाई है, भगवती पृथ्वी को ठीक से स्थापित कर दिया और भगवान गदा उठा करके वापिस रसातल में गए तो हिरण्याक्ष चारों तरफ गदा लेकर के इधर उधर घूम रहा है। इतने में हिरण्याक्ष दिखा तो भगवान वराह कहने लगे, अरे हिरण्याक्ष मैं तुम जैसे ग्राम सिंह को देखने के लिए आ रहा था। अब ग्राम सिंह कहा तो हिरण्याक्ष को और ज्यादा क्रोध आ गया। अब आप समझते होंगे ग्राम सिंह का मतलब कोई गांव का शेर, ये समझते हैं, लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं ग्राम सिंह को कुत्ता और संस्कृत में कहते हैं कुत्ते को ग्राम सिंह। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम जैसे ग्राम सिंह को देखते ही घूमता हूं। इतना कहा तो हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया और हिरण्याक्ष गदा उठा करके भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। भगवान ने उसी की गदा को छीन करके और हिरण्याक्ष के ऊपर में जोरदार गदा का प्रहार किया और हिरण्याक्ष के ऊपर में जैसे गदा का प्रहार हुआ धड़ाम से पाताल में जाकर गिर पड़ा। बोले वराह देव भगवान की। ऐसे भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को पराजित किया, भगवती पृथ्वी की वापिस स्थापना की है। हिरण्याक्ष भगवान के तेज में विलीन हो गया। महाराज अब धीरे धीरे पृथ्वी का संवर्धन होने लगा। जो नौ ऋषि हैं उनमें एक ऋषि है कर्दम, आहुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन कन्याएं थी। आहुति का विवाह है रुचि प्रजापति के साथ में किया, देवहूति का विवाह है कर्दम ऋषि के साथ, प्रसूति का विवाह है प्रजापति दक्ष के साथ हुआ है। अब इन तीनों कन्याओं के जीवन की बातें आएगी और इन्हीं के वंश में भगवान का प्रागट्य उत्सव होगा। तो देखो सृष्टि का संवर्धन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अपन भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारा मन जो है आपकी कथा वार्ता में तो कम लगता है, यहाँ आकर बैठ जाते जरूर हैं लेकिन मन चारों तरफ घूमता रहता है, तो यहाँ आकर के बैठ जाए तो प्रभु कृपा करके आपकी कथा में हमारा मन लगा रहे। अपन ऐसी प्रार्थना करें हमारा ये मन इधर उधर भटके नहीं, आपकी कथा वार्ता में लगे रहे, ऐसा अपन भी भगवान से प्रार्थना करके आनंद ले लें। छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमन प्यारो राधा रमन।
Oh,
वापिस अदृश्य हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, कर्ण ऋषि अपने संध्या वंदन से निवृत्त होकर के अपने आश्रम के बाहर एक आसन लगा करके बैठे बैठे जप कर रहे। जैसे प्रातः काल हुआ, मनु महाराज अपनी कन्या देवदूती को लेकर के विमान से नीचे उतरे। मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा और उनकी कन्या देवदूती तीनों कर्ण ऋषि के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तो कर्ण ने दूर से देख लिया कि तीन लोग मेरे आश्रम में आ रहे हैं। तो कर्ण जी ने पहले तीन आसन लगा दिए। कितने आसन? तीन। अब जैसे ही मनु महाराज कर्ण ऋषि के आश्रम में आए तो कर्ण जी उठ करके स्वागत करने लगे। ऋषिवर, आपका इस आश्रम में स्वागत है। मनु महाराज को बैठने का आसन दिया। मनु महाराज बैठे, उनकी पत्नी शत्रुपा बैठी। अब देवभूति जी को आसन दिख रहा है। कर्ण ऋषि कह रहे हैं कि देवी आप भी बैठो, अभी विवाह नहीं हुआ। तो भी देवभूति को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर मैं अपने माता पिता के साथ आई हूँ, यहाँ पर मेरा विवाह होने वाला है, इसी कार्य के लिए मेरे को साथ में लाए महाराज। कर्ण ऋषि तीन आसन लगाए। देवदूती ने देखा कि मेरे होने वाले पति हैं, ये आज्ञा दे रहे हैं कि आसन पर बैठ जाओ, तो मैं इनके बराबर आसन में बैठूंगी। तो मेरा पातिव्रत के धर्म के साथ आज की पत्नी होती तो बैठ जाती, कोई बात नहीं, आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठी हूँ। पुराने जमाने में देखो ऐसी मर्यादाएं होती थी कि पति अपने परिवार के चार लोगों के बीच में बैठा है और पत्नी को उसे बुलाना है, तो क्या नाम लेके पुकारेगी? आज की पत्नी तो पुकार देती है राजेंद्र, लेकिन पुराने जमाने में पति भी नाम नहीं लेता था अपनी पत्नी का और पत्नी भी अपने पति का नहीं नाम लेती। आपस में नाम से संबोधन नहीं होता। चार व्यक्तियों के बीच में बैठा है तो पत्नी ऐसा इशारा करेगी आदमी अपने आप ही आ जाए। आजकल तो एक फैशन ही चल गया कि नाम से पुकारने से अपने आप को बहुत बड़ी समझती है कि मैं नाम से पुकार, लेकिन पुराने जमाने में ऐसी मर्यादाएं होती थी कि पति पत्नी अपने नाम से नहीं पुकारते, पति के बराबर नहीं बैठते। ससुराल के अंदर में माताएं कई प्रकार की लज्जाएं होती हैं। जब ननद अपने मायके में आती है तो मायके में काम नहीं करती, भाभी से कहती कि भाभी अब हमारी सेवा करो, ससुराल में बहुत काम कर लिए, हम यहाँ मायके में इसलिए आते हैं कि हमारी सेवा हो। ससुराल में तो देखो कितनी मर्यादा होती है, गर्मी का समय होता है, ठंडाई बनाते हैं नींबू की, तो सब ससुराल के लोगों को दे देती है और जो वो नारी है खुद उनके सामने नहीं रसोई घर में जा करके खड़ी खड़ी वो ठंडाई को पी लेती है, उनके सामने बैठ करके बराबर नहीं बैठती, सामने खाती नहीं, ऐसी मर्यादाएं होती है। तो ऐसे कर्ण ऋषि ने कहा कि देवी तुम भी बैठो। तो देवदूती कहने लगी कि विचार करने लगी मैं अपने पति के बराबर कैसे बैठूं, और ये कह रहे बैठो और नहीं बैठोगी तो इनका अपमान हो जाएगा। माताओं की सेवक आसन होता है,
एक को हनुमान जी कैसे बैठते हैं आपको मालूम है, एक उठना टेक देते हैं, एक उठना खड़ा रहता है। और जब भगवान की आज्ञा हो जाए तो जय श्री राम करके उठ जाते हैं, वो होता है सेवक आसन। तो कर्दम ऋषि कहने लगे कि देवी बैठो, तो देवमुनि ने एक उठना टेक दिया और एक हाथ रख दिया, ये हो गया सेवक आसन। तो कर्दम ने देखा कि ये पत्नी मेरे योग्य तो लग रही है। मनु महाराज ने कर्दम ऋषि से कहा कि देखो ऋषिवर, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं, हमारी एक कन्या है देवमुनि, इसका विवाह करने के लिए हम यहाँ पर इसको लेकर के आए। कर्दम जी ने कहा कि ठीक है, विधि विधान के अनुसार मनु महाराज ने अपनी कन्या देवमुनि जी का विवाह है कर्दम ऋषि के साथ में कर दिया। विवाह होने के पश्चात माता पिता अपने घर जाने लगे, तो देवमुनि अपने माता पिता के विमान के पास आ गई, उनको बिठाया। जब विमान जाने लगा, एक जगह खड़ी हो गई, अपने माता पिता के विमान की ओर देखने लगी। काफी दूर विमान चला गया, आंखों से ओझल हो गया, दिखना बंद हो गया, तो फिर अपने पति के आश्रम में आई है। अब पति ने क्या किया, विवाह होते से ही जो विवाह के अंदर में अलंकार पहने थे, सुंदर वस्त्र पहने थे, सबको उतार दिया, वल्गर वस्त्र पहन लिए, जटाएं उनको बांध करके राख डाल ली, एक आसन लगा लिया और समाधि लगा ली। जब पत्नी देवमुनि अंदर आई, देखने लगी, मेरे पति आसन लगा करके समाधि लगा दी, विचार करने लगी, आज हमारा विवाह हुआ है और आज ही इन्होंने समाधि लगा ली, हमारे से कोई बातचीत नहीं। महाराज देवभूति जी अपने पति की सेवा करने लगे, प्रातःकाल होता एक आसन पर बैठे कर्दम ऋषि के शरीर को पीला कपड़ा करके पूछ देती, आसन को ठीक कर देती, कई वर्ष हो गए उनकी सेवा करते रहे। 31 वर्ष बाद में कर्दम ऋषि ने अपने नेत्र खोले तो उनके सामने एक दुबली पतली नारी खड़ी थी। उस नारी को देख करके कहने लगी, देवी तुम कौन हो? देवभूति कहने लगी, आपको पता है आज के 31 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था। कर्दम जी कहने लगे, मुझे याद आया है 31 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ देवी। अच्छा तुम तो मनु महाराज की कन्या हो? क्या कहा? तो मनु महाराज की कन्या हो, ये नहीं कहा कि तुम देवभूति हो। हे मनु नंदिनी, तुम बड़े राज प्रसाद में रही हो, हमारे साथ विवाह करके तुम बहुत कष्ट पाई हो, इस घनघोर जंगल के अंदर में मैं तपस्या कर रहा था, तुम मेरी सेवा करने में जुटे हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। हे मनु नंदिनी, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांगो। देवभूति जी बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे कोई मांगने की इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने विवाह के पहले इतना कहा था कि एक बेटा होना चाहिए, तो मुझे अब गृहस्थ आश्रम का सुख प्रदान करो ऋषिवर।
कर्दम ऋषि अपनी पत्नी का देवउठनी का हाथ पकड़ करके एक सुंदर सरोवर में ले करके गए। उस सुंदर सरोवर में ले जा करके जैसे ही पानी के अंदर में प्रवेश किया और एकदम से नीचे जाने लगे। थोड़ी दूरी पर गए तो एक सुंदर सरोवर के अंदर में महल बना है, अनेक दास दासियां है। देवउठनी जी को स्नान कराया, सुंदर अलंकार पहनाए, सुंदर वस्त्र पहनाए और दर्पण के सामने खड़ा किया तो इतनी रूपवती हो गई थी देवउठनी जी। और उस दर्पण के सामने खड़ी होते से कहने लगी कि इतनी सुंदर तो मैं अपने पिता के यहाँ पर भी नहीं थी। देवउठनी प्रसन्न हो और अपने पति से कहने लगी कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। कर्दम ऋषि एक सुंदर विमान मंगाया है और उस विमान में अपने पत्नी देवभूमि जी को बिठा करके 9 वर्षों तक आकाश मार्ग में घुमाते रहे और 9 वर्ष में 9 कन्याओं का भी उस विमान में जन्म हो गया। फिर अपने विमान को पृथ्वी लोक पर लेकर के आए हैं। कर्दम ऋषि अपने पत्नी से कहने लगे कि देखो देवउठनी जी, व्यक्ति का जन्म इसलिए नहीं होता कि जीवन भर गृहस्थ बन करके रहे। अब हमारे 9 कन्याएं हो गई है, अब मैं संन्यास हूं। तो देवउठनी जी कहने लगे कि आपने विवाह के पहले कहा था कि एक बेटा हो जाएगा उसके बाद संन्यास होगा, तो अभी तो 9 कन्याएं हुई है, बेटा तो हुआ ही नहीं। तो कर्दम जी ने अब बेटे के लिए प्रार्थना की है, भगवान के लिए तपस्या की है। भगवान प्रसन्न होते हैं और जैसे ही भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, कर्दम क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। महाराज उस समय कर्दम ऋषि कहने लगे, प्रभु और तो कोई इच्छा नहीं है, आप जैसा बालक हमारे घर में होना चाहिए। ऐसी बात कही तो भगवान कहने लगे कि मेरे जैसा तो और संसार में नहीं है, मेरे को जाना पड़ेगा। कर्दम, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन कभी भी भक्तों की इच्छा को अधूरी नहीं रखता, अवश्य पूरी करता। थोड़े समय के अंदर में समय व्यतीत हुआ। माता देवउठनी के गर्भ का आश्रय भगवान नारायण ने लिया है और थोड़े ही समय के अंदर में भगवान कपिल के रूप में भगवान नारायण अवतार लेते हैं। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, समस्त देवता लोग दिशाओं में आकर के पुष्पों की वृष्टि करते हैं, भगवान नारायण का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, समस्त दिशाएं प्रफुल्लित हो जाती है। कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में कर दिया है। फिर अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं अब संन्यास के लिए जा रहा हूँ। अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया, तुमने कहा था कि एक बेटा होना, तो भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति भी हो गई है। महाराज धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े होने लगे। जैसे ही कपिल भगवान की अवस्था 5 वर्ष की हुई है, एक दिन कपिल भगवान की आज्ञा लेकर के कर्दम ऋषि संन्यास की ओर चले जाते हैं। माता देवउठनी को दुख तो होता है कि मेरा पति मुझे छोड़ करके चले गए, लेकिन विवाह के पहले ही उन्होंने वचन लिया था कि मैं एक पुत्र प्राप्त होते से ही संन्यास ले लूंगा।
तो अपने वजन के अनुसार देव मुझे जी कुछ बोली नहीं। कर्दम जी वन की ओर चले गए। कपिल भगवान की अवस्था 5 वर्ष की हो गई है। एक दिन माता देवहूति अपने बेटे के पास प्रातः काल के समय में कपिल भगवान के पास आकर हाथ जोड़ती है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ तू मेरे हाथ जोड़ रही है, मैं आपका बेटा हूं। देवहूति जी कहते हैं कि मैं जानती हूं तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, साक्षात नारायण का अवतार हो बेटा। यहाँ नहीं तो माँ और बेटे का संबंध नहीं है, एक साधक और गुरु का संबंध है। साधक अपने गुरु से जो बातें पूछता है गुरु उन बातों का उत्तर देता है। तो ऐसे ही देवहूति जी अपने बेटे कपिल भगवान को पूछ रही है, बेटा संसार में सच्चा सुख कहाँ है? मैंने इन इंद्रियों को कई बार खिलाया है, कई बार मन के कहे गए मैंने जीव का स्वाद प्राप्त करने के लिए इनको कई वस्तुएं खिलाई है। आंखों का मनोरंजन करने के लिए मैंने कई बार सिनेमा देखा है, लेकिन आज तक मेरी आंखें मेरा मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। बेटा तुम बताओ इन इंद्रियों को कैसे संतुष्ट किया जा सके? तो कभी भगवान कहते हैं कि माँ सबसे पहले तो व्यक्ति को अपना संग सुधारना चाहिए कि मैं किन किन लोगों के संग में रह रहा हूं। तो माँ देवहूति कहते हैं कि मैंने कितना संग किया है, जब मेरा जन्म हुआ तो मैं अपने माता पिता के साथ रहने, बड़ी हुई मेरा विवाह हुआ तो मैं अपने पति के साथ रही, आज पति भी मेरे को छोड़ करके चले गए हैं, अपने बेटे के साथ रह रहे हैं, तो कितना संग किया मैंने। तो कपिल भगवान कहते हैं कि माँ इतने दिन तो आपने संग किया, अब थोड़ा इसको बदल दो, सत्संग शुरू कर दो। किन व्यक्तियों के साथ बैठना? जो व्यक्ति सत्संग करते हैं उन व्यक्तियों के साथ में बैठना चाहिए। मां बेटा सत्संग करें ठीक है, संतों का संग, सच्चा संत कौन होता है उसकी परीक्षा कैसी करें? कपिल भगवान कहते हैं कि माँ सच्चे संत की पहचान करना बहुत कठिन काम है, गेरुआ वस्त्र पहन लेना, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लेना, वो संत की परिभाषा नहीं है। संत तो माँ वो होते हैं जो बड़े से कुटिल व्यक्ति को सुधार दे, वो संत होते हैं। ऐसे संतों का संग करना जो बड़े कुटिल से कुटिल मूर्ख व्यक्तियों को सुधार दे। मां तज मन हरि विमुखने को संग, तज मन हरि विमुखने को संग, तज मन हरि विमुखने को संग, प्रजा के संग कुबुद्धि मन उपजे, पढ़त भजन में भंग, तज मन हरि विमुखने को संग। सत्संगी व्यक्ति कैसे होते हैं? जिस व्यक्ति के पास बैठने के बाद में मन में क्रोध आए, ईर्ष्या उत्पन्न हो, तो ऐसे व्यक्तियों का संग छोड़ देना। जिस घर में भगवान की आरती नहीं, कीर्तन नहीं, दीपक नहीं जलता, कभी भगवान का नाम स्मरण नहीं होता,
केवल दिन भर उठे खाने पीने न लगे और संसार की चर्चा की तो ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। मीरा भाई का जब विवाह हुआ चित्तौड़ के महाराजा के साथ में विवाह होकर के गए तो मीरा भाई तो बचपन से ही भक्ति का रंग लगा था ना। अपने ससुराल में गई तो वहां पर छोटे से बाल कृष्ण को नहलाती, वस्त्र पहनाती, उनके सामने खड़ी होकर के नाचती थी। ससुराल के लोग देखते कि ये मीरा पागल हो गई, छोटे से भगवान लेकर के आई है और उनके सामने नृत्य कर रही है। ससुराल के लोग मीरा को पागल कहने लगे। मीरा का पति कहने लगा कि हमारे गांव में ऐसा नहीं है, ये भजन पूजन तुम्हें बंद करना होगा। तो मीरा रोने लगी कि मैं बचपन से बाल कृष्ण की सेवा कर रही हूँ और मेरा पति कहता है कि ये भजन पूजन बंद कर दो। मीरा भाई ने एक पत्र लिखा गोस्वामी जी को, तुलसीदास जी को, गोस्वामी जी मैं बचपन से भगवान की पूजा करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, रोज भगवान के सामने नाचती हूँ और मेरे ससुराल के लोग मुझे मना कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो गोस्वामी जी ने उत्तर लिखा कि मीरा भाई ऐसे कचरे दिमाग वाले लोगों का संग छोड़ दो, अगर तुम्हारे को भगवान के भजन में बाधा डालते हैं तुम्हें नहीं करने देते तो ऐसे लोगों का संग छोड़ दो। मीरा भाई उसी समय चित्तौड़ करके राजमहल को यूं चुटकियों में बजाती हुई धीरे धीरे सीढ़ियां से उतर गई और साधुओं का संग किया। साधुओं का संग करके द्वारिका पहुंची और द्वारिका के अंदर में अनेक भक्तों के सामने मीरा भाई नृत्य करते हुए द्वारिका की भगवान की मूर्ति में जाकर के समाहित हो गए। अरे आंधी आई प्रेम की ले गयो भवन उड़ा, साधु को होता है जो कुटिल से कुटिल व्यक्ति को भगवान के भजन में लगा दे। कोई कहे तो दुनिया के लोग भजन नहीं करते तो कहने वाले में कमी है, दुनिया में कमी नहीं, क्योंकि उसके अंदर में कोई इतनी ताकत नहीं कि दुनिया को लगा दे भजन। और जो भगवान के भजन में दुनिया को लगा दे तो उसका कोई शत्रु नहीं। मीरा भाई ने कई बार समझाया, ससुराल के लोग नहीं माने तो लोग लाज छोड़ करके भगवान के पास पहुंच गए। राधे 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 राधे